के आगे ढाबे के पास अपनी गाड़ी ये खड़ी है। तो तंगीर भाईजान भी यहाँ पर अपना पराठा वगैरह जो आ गया है, तो पराठे में है जी आलू का पराठा, राहत इंदौरी का पराठा है, इतना बड़ा पराठा है, मजा आ जाए। मिलो जी हमारे खास बंदे से। और ठीक ठाक ये सामने है जिखानी नाक का, तो खुद देख लो गाड़ी हम यहाँ पर कितने सामने लगा रहे हैं, ठीक है। और इनसे भी मिलवाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल चाल, आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, आप लोगों का सबको अच्छा जा रहा होगा। करते हैं जी आज एक और नया ब्लॉग शुरू, चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब। तो जी इस टाइम की लोकेशन हमारी है उधमपुर में। तो जी पूरा रात चल रहे थे, आधा रात हम तमीर भाई ने गाड़ी चलाई, आधा रात मैंने चलाई मिक्सअप करके, तो गाड़ी पूरी रात चलती रही। और सुबह इस टाइम टाइम हो रहे हैं 8:39, गाड़ी हमने लगाई है इस टाइम बाहर ढाबा के बाहर। तो इससे आगे जिखारी नाका जो है बस थोड़ा कुछ किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे ढाबा जो है बहुत अच्छा दिखा, तो चलते हैं बाहर और नाश्ता वाश्ता करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैं भी रेडी वेडी हो गया हूँ, आगे ढाबे के पास अपनी गाड़ी ये खड़ी है। तो तंगीर भाईजान भी यहाँ पर अपना पराठा वगैरह जो आ गया है, तो पराठे में है जी आलू का पराठा साथ में, पराठा देखा राहत इंदौरी का पराठा है, देखा कितना बड़ा पराठा है, मजा आ जाए। तो जी इसमें साथ दाल मखनी है, अचार है, प्याज है, आलू स्टफिंग वाला पराठा है, ठीक है, आलू पराठा है ये, ओके। करते हैं जी बिस्मिल्लाह। तो जी हम अपना ब्रेकफास्ट जो है कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं आगे आगे। हो गया जी अपना ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी चाय वगैरह पी रहे हैं। तो मेरे को लगता है आज पूरा दिन जो है हम उधमपुर नाके के पास ही रहेंगे, तो हो सकता है। वैसे गाड़ियों तो पीछे रोकी हुई थी सांबा मानसर, फिर 3-4 जगह, तो आपको पता चल गया होगा JK14 उधमपुर नंबर हमने क्यों लिया था, इसीलिए लिया था पूरा उधमपुर तक गाड़ी पहुँच जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, तो चाय पी के बस निकलते हैं और उधमपुर नाके के पास लगाते हैं गाड़ी, ठीक है। निकल गए जी हम वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, और बस उधमपुर पहुँच गए हैं। यहाँ से उधमपुर सिटी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो जिखानी नाका जो है वो भी वहीं पर है। तो मानो एक हिसाब से हम अपने घर में हैं इस टाइम, ठीक है। तो बस फिलहाल गाड़ी चल रही है बस नाके के पास पहुँच के, तो गाड़ी रोकेंगे फिर देखेंगे, नाके से जब गाड़ी है सारी गाड़ियाँ छोड़ेंगे तो वहाँ से हम चल जाएंगे, ओके। ये लो जी यहाँ से ट्रक्स जो है बिल्कुल बंद हैं, तो जिखानी नाका जो है बस ये सामने है जिखानी नाका, तो खुद देख लो गाड़ी हम यहाँ पर कितने सामने लगा रहे हैं, ठीक है। और इनसे भी मिलवाएंगे आपको। सारी पंचर हो गया भैया। तो जी नाके के बिल्कुल साथ में गाड़ी लगाई है हमने, ठीक है, खाली 5-10 कदम है, ये लग गई जी ब्रेक। तो जी, खड़ी हो गई अपनी मर्सिडी, बंदा चंगे सी ट्रैफिक वाले सी क्या घर जाना, कहंदा जाओ सर कार्ड दसया, कार्ड दिखाया, बोला जाओ सर जैसी मारो। हाँ और कोई होता है, कोई छोड़ता कोई नहीं छोड़ता, कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, ठीक है नहीं, सही बिल्कुल सही। हाँ बाकी जय संता दी जय बीबिया दी, थैंक यू। तो जी फिलहाल अब यहाँ पर ही है, तो आप देखते हैं जो आगे आगे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपको ना एक किसी नए बंदे के साथ दिखाएंगे। मिलो जी हमारे खास बंदे से। और ठीक ठाक आसिफ जो है ये तनवीर भाई का छोटा भाई है, ठीक है, इनका सगा भाई है ये। तो इस बंदे की भी अपनी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी नहीं, इस बंदे की भी अपनी गाड़ी हमारी इच्चर की है, इसकी टाटा की है। तो इसकी टाटा की गाड़ी जहाँ से आपने उधमपुर में याद है आपको लोड किया था, तो इसकी गाड़ी इस टाइम वहाँ पर लोडिंग के लिए लगी हुई है। फिलहाल जी हम चलते हैं ATM, थोड़े पैसे निकाल रहे हैं, तो पैसे निकाल लेंगे पहले।
जिखारी नाका है और ये बस सामने ये येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, मैंने पिछले वाले आपको मैंने इससे पहले व्लॉग में भी बोला होगा, स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 8th और 9th मेरी स्कूल में हुई है। लो जी पहुँच गए ATM। इस टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर नाके के पास ही, जैसे आपने देख ही लिया, दिखाई दिया मैंने, बस नाका यहाँ पर बिल्कुल सामने है और बस बैठे हैं अभी, टाइम पास कर रहे हैं फिलहाल, चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक ये छोड़ेंगे तो तब तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तनवीर भाई जो है वो घर चले गए हैं, तो हो सकता है, मैं आगे पुलिस वालों के पास भी गया था, उन्होंने बोला 3-4 बजे हम शायद छोड़ देंगे, तो देखो अभी क्या होता है, अगर छोड़ेंगे ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो फिर। तो जी अभी तक अपना टाइम पास कर रहा था, कभी कुछ और जी इस टाइम हो रहे हैं 2:20, ओके। तो हल्की हल्की भूख जो है मेरे को लगना शुरू हो गई है, कुछ खाना शाना खा लेते हैं, चलते हैं इधर साथ में ही राइट साइड में ना राजमा और चावल मिलते हैं बड़े ज़बरदस्त, तो चलते हैं वहाँ पर, गाड़ी शाइड लॉक करते हैं, चलते हैं वहीं पर। तनवीर भाई फ़ोन कर रहे हैं, बोलते भाई घर आ जा खाने के, मैं बोले यहाँ पर गाड़ी के पास कौन रहेगा, मैं बोला नहीं हम चलते हैं यहीं पर, खाना छाना यहीं खाते हैं तो फिर देखते हैं, ठीक है। गाड़ी वाड़ी कर दी अपनी लॉक, गाड़ी अपनी ये है अपनी रानी कैसे चमक रही है माशाल्लाह, तो चलते हैं वहाँ पे, सामने अच्छा सा रेस्टोरेंट है, ये लो जी ये छोटा मोटा बहुत ही प्यारा और रेस्टोरेंट है, पूछते हैं अंदर देखते हैं क्या बात है। ये लो जी ये है जी थाली बासमती चावल, साथ में ये दाल मखनी मिक्स, आलू न्यूट्री और ये राजमा मिक्स, और जी आ गया अपना सैलेड, करते हैं बिस्मिल्लाह, हम तो जोश हो गया जी, खाना पीना अपना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता ही अभी इस टाइम में फ़िलहाल अकेला हूँ, तो यार खाना खाया नहीं गया मेरे से, पता नहीं क्यों, हो सकता शायद मैं अकेला था तभी खाना नहीं खाया गया मेरे से। तो चलो अभी फ़िलहाल आ गया वापस, गर्मी भी ठीक ठाक है भाई, तो फिलहाल कोल्ड ड्रिंक से ही अभी थोड़ा बहुत टाइम चल रहा है, तो देखते हैं अभी, अगर आज शाम को गाड़ियाँ छोड़ दी तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ी तो फिर भी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है जी। दिस इज़ नेक्स्ट डे और आज हम इस टाइम कश्मीर में पहुंच गए हैं, ये है जी मंडी, ठीक है, JVC मंडी जिसको बोलते हैं, गाड़ियाँ देखो कितनी लगी हुई हैं, ये पूरी लाइन लगी हुई है जी, हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर खाली होनी है, गोदाम ये है, यहाँ पे खाली गाड़ी होनी है हमारी, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक्चुअली में निकलने का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हम रात को 2 बजे निकले हैं वहाँ से, तो रात को 2 बजे जो है गाड़ियाँ छोड़ दी थी, तो इसलिए मैं व्लॉग आते समय का नहीं बना पाया, ठीक है। देखो जनाब हमारी गाड़ी में ना ये आ गया है, आज मंडी से लाया फारूक साहब से, फिलहाल भाई काट रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने फटाफट उठा के खा लिया, करूं क्या बर्दाश्त नहीं, मैंने सोचा एक पीस ज्यादा ही खा लूंगा, तो आप भी खाओ, नहीं आप रहने दो मैं खुद खा लूंगा। तो जी जैसे कि आपको पता है हमारी गाड़ी में फिलहाल बर्तन वगैरह जो नहीं है, हम बाहर ढाबे पे ही खाना चाना खा रहे हैं आज कल, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एक ड्राइवर भाई से ये चाकू लाया था, ये सामने यहाँ पर गाड़ी है, ठीक है। तो तनवीर भाई ने ये वाटरमेलन लाया था, यहाँ पे इनकी चलती बहुत है, मंडी में जान पहचान बहुत है, तो अभी हमने इसके पीस वगैरह कर दिए हैं सामने, तो आधा रख लिया है फिलहाल, ये ज़्यादा हो गया तो ये साइड में रख लिया, तनवीर भाई से हमारे से रहा नहीं जा रहा, तो समझ रहे हो, आपको पता मैं गाड़ी बहुत जल्दी खींचता हूँ, मेरे से सब्र नहीं होता है। चलो अच्छी बात, अच्छी बात, खाने पीने में बंदा मेरी तरह पीछे नहीं होना चाहिए यार, मैं खाने पीने में थोड़ा सा ढीला हूँ, मैं एक काम करता हूँ पहले चाकू देता हूँ और बाद में देना। तो जी हो गया अपना वाटरमेलन, जो करना था सब कुछ हो गया, अभी फिलहाल रेस्ट में है, तो हो सकता है कल शाम को हमारी गाड़ी जो है अनलोड हो जाएगी, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे हमसे आगे भी कम से कम 10 गाड़ियाँ हैं, और एक बार बता दूँ आपको हमारे साथ जितनी गाड़ियाँ आई थी ना दिल्ली से, वो सारी गाड़ियाँ अभी तक सांबा से पीछे हैं, तो हम सिर्फ हमारी एक गाड़ी जो है पहली गाड़ी कश्मीर पहुँची है हमारे जिन्होंने लोड की है, तो कम से कम 10-20 गाड़ियाँ थी, 20 गाड़ियों में सिर्फ हमारी गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँची है। तो मेरे को लगता है अपना व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, अगर इस व्लॉग में
अगर इस व्लॉग में कोई भी पार्ट आपको पसंद आया होगा उसके लिए डू सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स करके गाइज बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गाइज दीजिए इजाज़त आज के इस ब्यूटीफुल से व्लॉग में। लव यू, टेक केयर।